जिस तरह से डरी हुई सरकार ने अपने अपने ओर से ये यत्न किया, भी हम डर रहे हैं। जिस तरह से अजय मिश्रा टैनी जो लखीमपुर खीरी के साजिशकर्ता थे, उनके बेटे अजय मिश्रा टैनी ने जिस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनका कत्ल किया था, उनको कल भाजपा ने टिकट दे दी। तो वो कटे पे नमक छिड़कने की बात की गई है जो सरकार कर रही है, और सरकार का असल चेहरा नंगा हो गया। अभी जो जीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं वो भी केंद्र में मंत्रिमंडल में हैं, और आगे वो एमपी बनेंगे। तो अब देश के 140 करोड़ लोग देखेंगे कि जो इस तरह की सरकार है, जो बर्बरतापूर्ण देश के किसान मजदूर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, एक तो वो, और देश के किसान मजदूर को एमएसपी लीगल करंटी कानून देने के लिए तैयार नहीं है, देश के किसान का कर्ज और खेत मजदूर का कर्ज माफ करने के लिए तैयार नहीं है, और C250 के अनुसार फसलों के दाम देने के लिए तैयार नहीं है। लखीमपुर खीरी का इंसाफ हो, सभी केस वापस लेने की बात हो। आप देखिए उत्तर भारत में कल ओला दृष्टि और बरसात से जिस तरह से फसलों का नुकसान हुआ, तभी हम बोलते रहे कि फसली बीमा योजना सरकार अपने प्रीमियम पे करे, ये भी मांग रही। WTO से भारत की खेती सेक्टर को बाहर निकल आना चाहिए। बिजली एक्ट 2023 जो उन्होंने बना रखा उसको वापस करवाने का सवाल है। तो इन मांगों के ऊपर जो आंदोलन चल रहा, केंद्र कहे तो रहा हम बैठ के मसले का हल करेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे जो साजिश की जा रही है, जो नियत और नियत में खोटी है, कल अजय मिश्रा टैनी जी को टिकट देने से ऊपर साफ हो गए। तो इन सरकार, इस तरह की सरकार के बारे में मुझे नहीं लगा देश के लोग उनको आशीर्वाद देंगे। हाँ, शराब जरूर देंगे 140 करोड़ लोग, और देश का किसान जो 60 करोड़ है वो इस तरह की सरकार से कभी भी खुश नहीं होगा। जो जीरो FIR शुभकरण जी के सिलसिले में की गई है, अब देखिए सरकार बोल रही है भी हम ड्रोन से पूरी निगरानी कर रहे हैं, जो भी हरियाणा के लोग इधर आ रहे हैं उनकी शनाख्त कर रहे हैं, उनका पासपोर्ट रद्द कर देंगे और उनका वीजा भी कैंसिल कर देंगे। पर उस ड्रोन से क्या सरकार को ये नहीं दिख रहा उधर से गोली कौन चला रहा है? उस ड्रोन से ये भी देखा जा सकता है। तो गोली केंद्र के निर्देश के ऊपर, वहां खड़े मजिस्ट्रेट के हुक्म पे ऊपर चलाई गई है। तो बाई नेम पर्चा कीजिए, जो भी अधिकारी हैं वहां का DC है, SSP है, हरियाणा के गृह राज्य मंत्री जो भी अनिल विज जी हैं, और उधर केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं, तो इनकी निर्देशों पे सारा कार्य हुआ। तो आगे की न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। जिस तरह से शहीद शुभकर्म करण सिंह का परिवार हमारे साथ खड़ा रहा, पंजाब स्टेट ने उनके ऊपर पूरी तरह दबाव डाला, लेकिन बहादुर परिवार है, उसने अपने बच्चे की आहुति देश के किसान मजदूर लहर के लिए दी और खड़ा भी रहा, और आज भी हमारे साथ खड़ा। वो कह रहा है कि हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक इंसाफ नहीं ले लेते। तो अब आगे सरकार को इस गोलीकांड का जो खनौरी बॉर्डर पर हुआ उसका न्याय देना पड़ेगा, और जो हमारे जख्मी हुए हैं और जो प्रीतपाल जी को उठाकर यहां से अगवा किया गया, क्या पंजाब सरकार उसके ऊपर पर्चा करेगी? हम ये भी भगवंत मान सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से पंजाब की टेरिटरी को इस्तेमाल किया गया, तो उसके बारे में वो क्या, जो हमने डलेवाल साहब ने भी एक शिकायत लिख कर दी है, उनके ऊपर क्या FIR होगी? या फिर ये समझेंगे कि केंद्र और पंजाब सरकार ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है किसानों के खिलाफ? ये स्थिति तो मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करनी चाहिए। हाँ, आज देखिए यहाँ अंतिम अरदास, उनका जो घर है वहां पर अखंड पाठ चल रहे हैं, उनका भोग डाला जाएगा। उसके बाद यहाँ भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज प्रकाश होंगे, सब मिलकर कीर्तन होगा, अरदास करेंगे, उसके बाद श्रद्धांजलि शहीदी समागम करेंगे। तो दो KMM और SKM नॉन पॉलिटिकल के सारे देश के लीडर यहाँ आएंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे और आगे के कार्यक्रम के बारे में भी ऐलान होगा। देखिए इस तरह का कुछ भी नहीं है, देश में किस तरह से आगे आंदोलन को बढ़ाकर अपनी मांगों को मनवाया जा सके, उस तरह की रणनीति तय करेंगे। क्या आप इलेक्शन में इनका साथ देंगे, गवर्नमेंट भी, जो MSP है, पंजाब गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में? कोई भी, देखिए KMM और SKM नॉन पॉलिटिकल, इस तरह का किसी का विरोध तो हम वर्तमान सरकार का करेंगे,
लेकिन जो भी इलेक्शन आ रही किसी का साथ देने का कोई फैसला ना इस तरह का कार्यक्रम। हम बिल्कुल अपनी स्टेज के ऊपर किसी किस्म का जो पॉलिटिकल वोटों वाले लोग हैं उसको ना तो बोलने देंगे ना ये स्टेज इस्तेमाल करने देंगे। देश का किसान मजदूर जो भी हो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।